जमशेदपुर सोनारी थाना क्षेत्र के कागल नगर के पास सरकारी शराब की दुकान में बीती रात चोरों निशाना बनाया और दुकान का छत का टीना काटकर दुकान में रखे लगभग 10 से 12 हजार लेकर चलते बने। सूचना मिलते ही सोनारी पुलिस दुकान में पहुंची और छानबीन में जुट गई है। पिछले कई महीनों से लगातार सरकारी शराब की दुकान में हो रही चोरी कहीं ना कहीं सवाल है, आखिर सरकारी शराब की दुकान में ही चोरी क्यों हो रही है। हालांकि पुलिस का कहना है बहुत जल्द इस चोरी की घटना का खुलासा कर देगी, लेकिन जीडीएस सिक्योरिटी के जिम्मे सरकारी शराब दुकान में लगातार चोरी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। जब सुबह हम लोग दुकान खोल रहे हैं, रात्रि में तो बढ़ा के हम लोग चल गए, जब सुबह दुकान खोल रहे हैं, जब वो सामने का शटर हम लोग खोले तो देखिए प्लाई टूटा हुआ है। हम लोग को अंदेशा हुआ कि चोरी हो गई, तो इसकी घटना तुरंत हम लोग मकान मालिक को दिए, सोनारी थाना को दिए, अपने उत्पाद विभाग को दिए और जो कंपनी है विवेक उसको दिए। वो लोग आए, उसके बाद हम लोग ये शटर खोले, जिधर से लोग अंदर घुसते हैं वो घुसे को देखे गला में पैसा नहीं है, जो चेंज था वो भी नहीं है। कितना केस होगा? चेंज मेरे पास था 8,000 और बाकी जो 9:30 बजे के बाद जो बिक्री थी वही समथिंग 25,000 के समथिंग चोरी हुआ है। कुछ माल वगैरह भी चोरी हुआ है? माल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी कागज बोतल हुआ होगा तो हम लोग मान लीजिए बड़ा काउंटर है तो समझ में तो आएगा नहीं, मान लीजिए बिक्री का दिन था उसी में से खाप उठा के चल गया होगा तो नहीं बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हुआ संदीप कुमार। कहाँ रहते हैं? जी सब कुछ